तो कैसे हैं आप सब? अगर आप सब अच्छे हैं तो एक स्माइली साइन जरूर कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। और आप अच्छे हैं, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में एक साइन और दीजिएगा प्यार भरा मुस्कुराते हुए, इससे मुझे लगे कि आप मुझसे जुड़ रहे हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। या मैं और आप लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करूँ अपने वीडियो को, आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट पे लेकर आई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू बी ए गुड सिस्टर, एक अच्छी सिस्टर कैसे बने। ऐसे तो जितनी भी सिस्टर हैं बहुत प्यारी, बहुत स्वीट, बहुत अच्छी होती है। उनके ब्रदर, उनके भाई उन्हें बहुत इरीटेट करते हैं, फिर भी वो मौज मस्ती करते हैं, फिर भी वो थोड़ी सी चुलबुली होती हैं, लेकिन बहुत अच्छी होती हैं, बहुत स्वीट होती हैं सिस्टर। जिस घर में सिस्टर नहीं है वो घर बहुत सूना सूना लगता है। या सिस्टर चली जाती हैं तो ऐसे तो भाई सिस्टर के साथ बहुत नटखट, मतलब रिश्ता चलते रहता है, मौज मस्ती होती रहती, रूठना मनाना, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन जब बहन चली जाती है तो भाई को भी कहीं ना कहीं खालीपन जरूर लगता है, याद कभी ना कभी मिस जरूर करते होंगे। तो कल रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में भी मैं स्पेशल आज की वीडियो बना रही हूँ कि हाउ टू बी ए गुड सिस्टर। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लॉयलिटी, निष्ठा। रिश्ते में हमें लॉयल रहना चाहिए। और अगर आपके सिबलिंग्स बिगेस्ट मिस्टेक किए या उन्हें ग्रोथ टिप्स चाहिए या गाइडलाइंस चाहिए तो आपको उन्हें बहुत अच्छे से लॉयल तरीके से गाइड करना चाहिए। रिश्ते में बहुत निष्ठा होनी चाहिए, बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत प्यार भी होना चाहिए और रिश्ते में हमेशा लॉयल रहना चाहिए। ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स है अपने भाई बहन से रिश्ता मजबूत करने के लिए। तो अपने रिश्ते में आप लॉयल्टी ज़रूर अपनाएं। और अगर भाई बहन से बिगेस्ट मिस्टेक हो भी जाए तो भी उन्हें माफ़ करें और उन्हें उनसे मिलजुल कर जीवन में आगे बढ़ें और उनका साथ अपने साथ में हमेशा बनाए रखें, मतलब रिश्ते को मजबूत बनाएं। सेकंड पॉइंट्स है ऑनेस्टी। अपने सिबलिंग्स जो होते हैं, अपने भाई बहन होते हैं, ब्लड का रिलेशन रहता है हमारा, तो उनसे हमें ऑनेस्टी रिश्ता रखना चाहिए, ऑनेस्ट जरूर रहना चाहिए। जैसे कि उनसे लाइफ में कोई बहुत भारी गलती हो गई, बिगेस्ट मिस्टेक हो गया है और वो अपनी पर्सनल बातें आपको शेयर करते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ है, तो आप मतलब कि उनका सपोर्ट करें ऑनेस्टी से, किसी और को ना बताएं। या कोई चीज़ें छोटे भाई बहन की मैं बात करूं तो कोई चीज़ें शेयर करके खाएं, बांट के खाएं, मिलजुल कर खाएं। ये नहीं कि अगर मम्मा दो चिप्स का पैकेट लाई है तो वो अभी सो रही है तो चलो उसका भी हम खा जाते हैं। हम लोग जब छोटे थे या छोटे बच्चे या अभी टीनेजर भी है वो भी ऐसा करते हैं कि अगर मम्मी पापा कुछ लेकर आए हैं, पेरेंट्स कुछ लेकर आए हैं, तो अगर सिस्टर सो रही है या छोटे भाई ब्रदर सो रहे हैं तो उनका चिप्स भी खा जाए, उनका भी कुछ ड्रिंक मिला है, उनके लिए भी आया है कि कुछ स्वीट्स अच्छे आए हैं, फ्रूट्स आए हैं, तो सब खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं, ऑनेस्ट होना चाहिए और ऑनेस्टी से रिलेशन अपनी में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ तो ज़रूर रख देना चाहिए अपनी सिस्टर के लिए भी, अपने भाई के लिए भी, कि वो भी कुछ खाएं। इस तरह से रिश्ता में प्यार रहेगा और रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। तो मिल बांट कर शेयर करके कुछ भी खाएं और कुछ परेशानी भी आए तो एक दूसरे को बताएं ऑनेस्टी से और शेयर करें, इससे जो है रिश्ता मजबूत होगा और परेशानी टेंशन कम होंगे। थर्ड पॉइंट्स हैं कैम्पेशन, मीन्स है दया। रिश्ते में दया भावना भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका अगर एक छोटा भाई है, उसे चोट लग जाती है, तो आपका क्या ड्यूटी बनता है, वहाँ फ़र्ज बनता है कि तुरंत आप जो प्राथमिक उपचार होता है वो तुरंत लेकर आएं और अपने भाई का थोड़ा सा दवा लगा दें, वहाँ पे मलहम लगा दें, उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर दें। इससे क्या होगा कि ये झलकता है कि मेरी जो सिस्टर है कितनी अच्छी है, कितनी गुड सिस्टर है, कितनी लवली सिस्टर है, कितनी केयरिंग सिस्टर है, कि थोड़ा सा चोट लग गया तो मेरी दीदी ने मेरे लिए इतना कुछ किया। बहुत अच्छा फील होता है। ये जो बचपन का प्यार है ना,
यही जिंदगी भर हमेशा लाइफ में याद आता है और रहता है। एक गाना भी अभी बहुत जोरों शोर से निकला हुआ, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो बचपन का भाई बहन का रिश्ता क्या है, हम बचपन में ही तो साथ रहते हैं, बड़े होते हैं तो अपने अपने जॉब में, शादी के बाद इधर उधर हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये टाइम जो मिला है ना, बहुत अच्छा समय है। तो अपने भाई बहन के प्रति आप दया दिखाएं, कंपैशन की भावना रखें और इमोशनल भी साथ में, इमोशनल टच रहे आपका, बहुत अच्छा रहे, इस तरह से रिलेशनशिप आप निभाएं। नेक्स्ट पॉइंट है लिसनिंग वेल। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड सिस्टर, यदि आप एक अच्छा सिस्टर बनना चाहती हो तो अपने ब्रदर सिस्टर की बातों को आपको अच्छे से सुननी चाहिए। लिसनिंग वेल मतलब बहुत अच्छे से सुननी चाहिए, क्योंकि हम किसी चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं तो हम अच्छा रिप्लाई कर सकते हैं। या आज के समय में हम अपने भाई बहन को ही तो अपना दुख सुख सुना सकते हैं, अपनी इच्छाएँ आकांक्षाएँ सभी चीज़ बता सकते हैं, अपनी उम्मीदें, अपना एम, लक्ष्य। तो इस तरह से लिसनिंग वेल, अगर आप एक अच्छी सिस्टर, गुड सिस्टर बनना चाहती हैं तो अच्छे से सुने, एक श्रोता बने, क्योंकि हर इंसान चाहता है अपनी लाइफ में कि एक सुनने वाला होना चाहिए। तो हम तो भाई बहन में सुनते ही नहीं हैं, तो पहले मेरा सुनो ना मैं बोल रही हूँ, नहीं पहले मेरा सुनो ना मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक अच्छी सिस्टर बनना चाहती हैं, गुड सिस्टर बनना चाहती हैं, तो आप लिसनिंग वेल बहुत अच्छे तरीके से पहले अपने सिस्टर ब्रदर भाई बहन का सुने। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट वर्दी, भरोसेमंद। मतलब आपको अपने, अगर आप एक अच्छी सिस्टर बनना चाहती हैं तो आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनका आप पर ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी। आप खुद, मतलब आप ऐसी, आपका कैरेक्टर होना चाहिए कि वो आप पे बिलीव कर सकें, विश्वास कर सकें, आप भरोसेमंद पर्सन बन जाओ उनके सामने, कि वो कोई भी बात आपसे शेयर करें, फिर कोई भी मिस्टेक करे, बिगेस्ट मिस्टेक भी लाइफ में अगर बड़े होने के बाद भी वो कभी लाइफ में करे, या अभी छोटे हैं फिर भी करते हैं, तो वो आपको बताएं, फिर आप उन्हें अच्छी गाइडलाइंस दो। क्योंकि आप एक अच्छी सिस्टर बनना चाहती हो तो आप उन्हें अच्छी गाइडलाइंस दो, अपना समझो, प्यार से उनके साथ व्यवहार करो। और अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहते थे तो पूछते हैं, दीदी मैंने 10+2 कर लिया है, मैं क्या करूं? और पेरेंट्स के सामने वो अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, वो कुछ और बनना चाहते हैं, पेरेंट्स कुछ और बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में वो आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप उनका भरोसेमंद पर्सन उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करो, फिर उनकी बातों को बहुत अच्छे तरीके से पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट करो, जिससे कि पेरेंट्स और उनके बीच जो भी मतलब परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएं, और पेरेंट्स भी समझें और आपका जो छोटा भाई बहन है वो भी आपसे खुश हो जाए। तो इस तरह से आप उनका भरोसा जीतो और भरोसेमंद पर्सन बनो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। से आप एक अच्छी सिस्टर बन सकती हैं, और ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में जो अच्छी सिस्टर बनना चाहती हैं उनमें शेयर करें और इस वीडियो को फैलाएं, क्योंकि आज समाज में ज़रूरत है एक अच्छी सिस्टर की। इसलिए ये वीडियो जितना शेयर किया जाएगा उतनी अच्छी सिस्टर होंगी समाज में, और जिससे कि भाई बहन का रिश्ता भी मजबूत होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।